चैनल। तो आज मैं झांसी जा रही हूँ। काफ़ी टाइम से हमारी समर वेकेशन चल रही थी, मैं घर पे थी। अब तो घर की इतनी ज़्यादा आदत लग गई पहले जब मैं आई थी तो बोर हो रही थी, एंड अभी इतना ज़्यादा मन लग गया है यहाँ पे कि जाने का मन नहीं कर रहा है। तो आज मेरी शाम की ट्रेन है, एंड शाम तक हम सब कुछ ब्लॉग करेंगे, मेरी पैकिंग, खाना पीना एंड जो भी फालतू की चीज़ें रहेंगी सब ब्लॉग करेंगे, एंड कॉलेज भी ब्लॉग करेंगे जब हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। प्रोबेबली मैं 10:30-11 रात तक पहुँचूंगी। चलो, घर पे आने के बाद नेटफ्लिक्स वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, एंड मैं मम्मी के साथ 3-4 शोज स्टार्ट कर देती हूँ। एंड पिछली बार तो मुझे इतनी आदत लग गई थी कि मैं झांसी जाके भी वही देख रही थी, जाते जाके मैंने 2-3 सीरियल शुरू कर दिए थे, पर इस बार ऐसी कोई आदत नहीं लगाओगी। फिर भी इनके साथ देख के जा रही हूँ, हम प्रॉपर टाइम पे हॉटस्टार पे कंप्लीट कर लेते हैं सारे एपिसोड्स। इतनी शिद्दत से मैंने पढ़ाई तो कभी करी नहीं। एक ये बैग लेके जा रही हूँ जो कि थोड़ा सही है। फिर ये वाला बैग देखो, ये है रिबॉक की 50वीं कॉपी। तो स्टोरी यही है कि मेरा भाई इंटर्नशिप में गया, समर इंटर्नशिप में, तो वो मेरी ट्रॉली लेके चला गया। एक और ट्रॉली है जो कि झांसी में है, तो मेरे पास एक ही एक ऑल्टरनेटिव है। कुछ बुक्स हैं जो मैं लेके आई थी, पता नहीं क्यों लेके आई थी इतनी सारी, एक जो मैंने खोली हो अच्छे से। अगर तुम्हें से कोई कॉलेज नहीं गया है और नियर फ्यूचर में जाने वाला है, तो मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर कॉलेज से घर आओ तो प्लीज कोई बुक लेके मत आना, क्योंकि ये सब स्कैम होता है, सब स्कैम में फंसना ही है। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ क्या क्या लेके आई थी, और मैंने उसको पढ़ा कितना, पर उसको 10% भी नहीं पढ़ा है मैंने। देखो, मैं पंचकर्म की बुक लेके आई थी कि मैं पंचकर्म खत्म करूँगी और शॉर्ट सब्जेक्ट एक हो जाएगा। इसको मैंने खोला भी नहीं है, एक दिन खोला था ऐसे ही। मुझे लगा था कि मैं मेडिसिन की नोट्स बना लूँगी, क्योंकि मेरी क्लासेस में छुट्टी हुई थी तो ऑनलाइन मुझे लेक्चर वगैरह भी लेने थे, तो वो भी मैंने कुछ खास करे नहीं। और सविता, मैं और 2 सविता लेके आई हूँ, 2 बुक, ये मोटी क्या ही बताऊँ, ये भी नहीं पढ़ी मैंने। ये तो हमारे में नहीं इम्पोर्टेंट होते हैं बहुत, इनको तो पढ़ना है, ऐसा रूल है कि इनको तो रोज ही पढ़ना है, लेकिन ये भी नहीं पढ़नी मैंने। घर पे तो क्या ही करती हूँ मैं, पूरे दिन घर वालों के साथ टाइम पास। तो मैं तुम्हें यही बस ज्ञान देना चाहूँगी, तो अपने सीनियर का ज्ञान ही समझो इसको, कि बिल्कुल बुक लेके नहीं आना है, ऐसी खाली हाथ आना है घर पर टाइम पास करके, फिर कॉलेज जाके पढ़ो, क्योंकि कुछ नहीं होना है यहाँ पे। जो मैं वहाँ से बैठ के आई थी, ऊपर से वो भी भूल गई हूँ। ये रहा पूरा मेस जो मैंने क्रिएट किया है। ये बुक शेल्फ है, ये भी काफ़ी ख़राब हो गए, यहाँ पे स्नैक्स वैक्स रखे हुए हैं, और काफ़ी कुछ साफ़ करना है। इन सारे कपड़ों को तो पहले मैं फोल्ड करके इसमें डालूंगी अलमेरा में, और फिर यहाँ पे थोड़ी सी जगह हो जाएगी। और ये भी काफ़ी ज़्यादा बुरा सा सेक्शन लग रहा है, इसको थोड़ा सा सजाते हैं एंड देन देखते हैं। Back to 17, I was frequently told to keep silent mode, hold your mouth. I guess ये थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड अभी लग रहा है, वहाँ के थोड़े पैकेट उल्टे सीधे हैं, पर पूरा ये ऑर्गेनाइज्ड है। गवर्नमेंट हॉस्टल में सफाई के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्या करें, पैसे भी तो बचाने हैं। सारी सफाई हो चुकी है, अभी रूम थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। अभी भी काफ़ी कुछ लाना है, मेरी ग्रॉसरी ख़त्म है तो मैं वो लेके आऊँगी, और उसके बाद थोड़ी सी शॉपिंग वगैरह करेंगे, और बाकी की सफाई मैं कल करूँगी। अभी दिखा देती हूँ कितना हो चुका है। सो दिस इज़ माई रूम सफाई होने के बाद, अभी थोड़ा सा बेटर लग रहा है।
मैंने खरीदा है ये कपड़े धोने के लिए,